RFID रीडर में कार्ड ऐड करने के लिए, जैसे कि आप देखेंगे कार्ड जो है मैं टच कराता हूँ, ये भी रीड नहीं कर रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले हैश 1 2 3 4 5 6 फिर हैश, उसके बाद मुझे कार्ड ऐड कराने के लिए सबसे पहले 1 टाइप करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे कार्ड टच कराना पड़ेगा। लॉन्ग बीप का मतलब है कार्ड ऐड हो गया और हैश दबा के जो है ओके कर देंगे। अब मैं कार्ड टच करूंगा तो लाइट ग्रीन हो जाएगी, तो इसका मतलब गेट ओपन हो गया है। दोबारा टच करूंगा। अब इस मशीन में अगर मुझे पासवर्ड लगाना है कि मतलब मैं किस मतलब मुझे कार्ड बिना किसी कार्ड के टच करे जो है अंदर एंटर करना है, तो मुझे इसके लिए पिन सेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हैश 1 2 3 4 5 6 हैश 21, उसके बाद जो भी आपको पिन मारना, जैसे कि 7 3 6 8 हैश। उसके लिए आपको कॉमन मतलब पिन बनाने के लिए करना है हैश 1 2 3 4 5 6 जो भी इसका पासवर्ड होता है, फिर हैश, फिर 21 टाइप करना है। उसके बाद आपको पिन डाल देना जो भी पिन बनाना है और उसके बाद हैश कर देना। अब मैं टाइप करता हूँ 7 3 6 8 हैश, तो गेट ओपन हो गया है। इस तरीके से आप इसके अंदर कॉमन पिन चेंज भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। उससे लेकर करना आपको हैश 1 2 3 4 5 6 हैश 21। अब मैं टाइप कर देता हूँ जैसे कि 4 5 6 7 हैश, ओके का मतलब हो गया ऐड हो गया है। अब मैं करूँगा 4 5 6 7 हैश, गेट ओपन हो गया। इस तरीके से जो है आपको कार्ड और पासवर्ड इस मशीन में ऐड करना है।